मित्रों नमस्कार, मैं हूं बलवंत भंडारी और आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गुरु एंड देव पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिकर्षा बल यानी उन देवदूतों के बारे में बात करूंगा जो हमारे देश के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद इनके कार्य को पुनः सलाम करने का मन करता है। ये जो टीम है ये राज्य के कर्मचारियों के साथ, SDRF के साथ, लोकल पुलिस के साथ, लोकल पब्लिक के साथ अच्छी तरह से समन्वय बिठाकर कार्य करती है। NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भारत सरकार की एक स्वायत्त संगठन है जो प्राकृतिक आपदाओं के समय मानवीय संघर्ष और राहत कार्यों को कार्यान्वित करता है। यह 2006 में गठित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। NDRF का मुख्य उद्देश्य होता है बाढ़, जल प्रलय, भूकंप, तूफान, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, नाभिकीय दुर्घटना, अन्य दुर्घटना, आतंकवादी हमले और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय तत्पर रहना। NDRF एक विशेष दल है जो इन आपदाओं में अत्यधिक जान बचाने, मदद और राहत कार्यों के लिए तैनात रहता है। NDRF के पास एक विशेष टीम होती है। इस विशेष टीम में विशेषज्ञ होते हैं जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसके साथ ही NDRF अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है। NDRF के सदस्य नियमित रूप से शारीरिक और मानसिक तैयारी करते हैं ताकि वे आपदा के समय तत्पर और प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सकें। उन्हें विभिन्न तकनीकी और मानव संसाधनों का उपयोग करना सिखाया जाता है जो उन्हें आपदा के समय मदद करते हैं। तो मित्रों, यही था हमारा आज का वीडियो जहां हमने NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में चर्चा की। निश्चित रूप से NDRF हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें गर्व है कि हमें इस पर आज बात करने का मौका मिला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। वीडियो अंत तक देखा आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।